हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद पुनीता। और कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो अभी मैं तैयार हो रही हूँ। मैं आज अपने बालों को स्ट्रेट करवा रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर से। और मुझे ना मतलब स्ट्रेट बाल बहुत अच्छे लगते हैं, पर मेरे बाल बहुत कर्ली हैं। और ये देखिए कितना स्मूथ, कितना अच्छा लग रहा है। वो स्ट्रेट कर रही थी और मैं चूड़ी पहन रही थी, और मुझे चूड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखिए कितनी प्यारी हाथों में लग रही हैं चूड़ियाँ। ये देखिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब बाल पूरा स्ट्रेट हो गया था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं बार बार अपने हाथों को बालों में फेर रही थी, और मैं चाहती हूँ कि मेरे बाल स्ट्रेट ही रहें, पर धुलने के बाद वापस से कर्ली हो जाते हैं। और आज रुद्राभिषेक है मेरा और मेरी छोटी वाली सिस्टर के बेटे का और मम्मी का। हम तीनों लोग का रुद्राभिषेक एक साथ होगा, तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही हूँ। और इतना अच्छा मुझे बाल लग रहा था ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। ये देखिए स्ट्रेट होने के बाद बालों में चमक भी आ जाती है और बाल बिल्कुल स्मूथ हो जाते हैं। ये देखिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं बार बार बालों को ही छू रही थी। तो अभी मेरे बाल स्ट्रेट हो गए हैं और मैं अभी तैयार तो हो गई हूँ, बस मैं मेकअप कर लूँगी। मेकअप मैंने कुछ भी नहीं किया है अभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा फुल लुक मेकअप होने के बाद मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ। और मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी है, पिंक कलर का ब्लाउज, और ये मेकअप मैंने लिया है। वैसे तो सावन में ग्रीन कलर की साड़ी सोची थी पहनने के लिए, मीशो से मंगाई भी थी, पर बाद में इन्होंने बोला कि तुम ये येलो वाली साड़ी पहन लो, तो मैंने येलो वाली साड़ी पहन ली। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैं जा रही हूँ मंदिर। ये देखिए मैंने पीला सिंदूर बनाया, और ये मेरी सिस्टर ने वाली छोटी बनाई है। और ये देखिए दीदी भी तैयार हो गई, मैं सबको दिखा रही हूँ। ये देखिए यह और इसका लुक कुछ ऐसा है। कैसे दिखाए, तुम दूर जाओ ना, दूर जाओ। ये देखिए हाँ, बारी बारी मैं सबको दिखाऊंगी। अभी देखिए मैंने ज़्यादा ज्वेलरी नहीं पहनी है, सिर्फ ये कान का ये पहन लिया है इयररिंग में, और बस एक मंगलसूत्र और एक ये सीकड़ और एक छोटा वाला जो मैं डेली कैरी करती हूँ वो वाला मंगलसूत्र पहनी। अच्छी बढ़िया तो मैंने आपको दिखाई है। ये देखिए तो अभी मैं सबका दिखाती हूँ। चाय बना रही हूँ, चाय बना लूँगी, सबको दिला दूँगी, फिर मैं मंदिर में चली जाऊँगी, क्योंकि मंदिर में ही रुद्राभिषेक होगा, घर पर नहीं होगा। तो मैं अभी चलती हूँ, सबको दिखाऊंगी भी बारी बारी से आपको। और यहाँ चाय रखी है, दिखाती हूँ एक मिनट आपको। अब बनारस वाली ये है, इसका लुक देखिए। यही तो असली कपड़ा पहनी है सावन में ग्रीन ग्रीन, मैं तो येलो पहनी हूँ। इलाहाबाद वाली सिस्टर है वो नहीं आई है, तो इसलिए मैं उसका कहाँ से वीडियो बना पाऊँगी। और कभी वो आएगी तो मैं उसका भी वीडियो बना के आपको दिखाऊँगी कि वो कैसी दिखती है। और ये देखिए परिवार सीढ़ी बैठ के खाना खा रही है। बाकी सब तैयार हो गए, अब हम मंदिर में मिलेंगे। ये हमने आज मैचिंग मैचिंग पहना है येलो कलर का, हमने येलो येलो पहना। ये देखिए आज तीन लोग का रुद्राभिषेक हो रहा है, मेरा, मम्मी का, डुल्कू का। हम तीन लोग का रुद्राभिषेक एक ही साथ हो रहा है, तो मिलते हैं मंदिर में अभी आपसे। तो फ्रेंड्स, ऑटो आ गया है और अभी हम निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। अभी हम जा रहे हैं, तीन चार तो अभी हम जा रहे हैं ऑटो में बैठने। ऑटो आ गई है, ये देखिए ऐसी ऑटो में बैठ के हम मंदिर जाएंगे। बाकी लोग तो गाड़ी से आएंगे, बस हम ऑटो से जाएंगे। तो हम सब निकल गए, ये देखिए। तो अभी हम जा रहे हैं ऑटो में ही बैठ के, बारिश हो रहा है, देखिए क्या होता है आगे। अभी मैं ऑटो में बैठ गई हूँ। तो आधे लोग गाड़ी से आएंगे और हम लोग ऑटो से ही जाएंगे आधे लोग। लेकिन मम्मी आगे जा रही है, हम बैठ गए, पूरा फुल हो गया सीट, तो मम्मी आगे जा रही है। घर में तो स्टार्ट हो सब लोग हो गए, चलो चलो। ये बाबू बाबी, ये देखिए बहुत चिल्लाती है मम्मी मेरी। आई मेरा डुग्गू बैठा है, हाय फ्रेंड्स। बाकी सब्सक्राइब ही करिए अपने मोबाइल से।
और ये पड़ोस की भाभी हैं जो आ रही हैं ब्लू कलर की साड़ी पहन के, वो भी हमारे साथ ही जाएंगी मंदिर। तो फ्रेंड्स ये जो मंदिर है जहाँ रुद्राभिषेक होगा हमारा, वो यहाँ से 12 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अभी हम बस जो रास्ता है वो खाली ही है, तो हम जल्दी ही पहुँच जाएंगे। बस वही पौना घंटा लगेगा जाने में। और यहाँ पे मम्मी रुक गई थी क्योंकि पान का पत्ता और मिठाई जो चढ़ता है वो मम्मी ले रही हैं, और हम आपस में बातें कर रहे हैं। और वही आधे घंटे या पौने घंटे में हम मंदिर पहुँच जाते हैं। तो अभी हम मंदिर पहुंच गए हैं और बाकी लोग भी उतर जाएंगे, मैं भी उतर जाऊंगी। और पीछे जितना भी सामान रुद्राभिषेक में लगेगा वो सारा पीछे ऑटो में रखा हुआ है। ये देखिए, तो अभी हम मंदिर आ गए हैं और मैं थाली लगा लेती हूँ, रोड़ी चंदन अच्छा सब एक दिए में करके तैयार कर लेती हूँ थाली, एक अपना, एक सिस्टर के बेटे का और एक मम्मी का, क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है रुद्राभिषेक के लिए। तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी से तैयारी कर लूँगी, फिर हम मंदिर के अंदर जाएंगे। तो जब हम मंदिर के अंदर गए तो मंदिर में इतना भीड़ था, मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा यहाँ भीड़ था। और काफ़ी लोग रुद्राभिषेक करा रहे थे, बिल्कुल बैठने तक का जगह नहीं था। और इसी इंतज़ार में हम लोग ने, हमारा जो रुद्राभिषेक है वो 1 बजे शुरू हुआ था, और हम पहले जगह ही ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे जो संकल्प वगैरह होता है वो सब कहाँ पे होगा। फिर फाइनली हमें जगह मिली, 1 लोग का जो है रुद्राभिषेक कम्प्लीट हो गया। तो वहीं पर हम बैठ के, मतलब जो संकल्प होता है रुद्राभिषेक से पहले वो हुआ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 3 थालियाँ लग गई हैं और हम, मैं, मम्मी और डुग्गू, सिस्टर का बेटा, उसका नाम डुग्गू है, तो डुग्गू, हम तीनों लोग बैठ जाएंगे और यहीं पे पहले संकल्प कर लेंगे, फिर मंदिर के अंदर जाएंगे रुद्राभिषेक करने के लिए। तो जब अभी ये पूजा हो जाएगी ना, तब हम शिवलिंग के पास जाएंगे रुद्राभिषेक करने के लिए। मैं मेरे हस्बैंड के साथ कर रही थी, डुग्गू अपनी मम्मी के साथ, अब मम्मी थी साथ में। तो जैसे जैसे पंडित जी कह रहे थे वैसे वैसे हम कर रहे थे, और बहुत अच्छा उन्होंने रुद्राभिषेक कराया था, बहुत अच्छा। बहुत टाइम लग गया था, 1 बजे शुरू हुआ था और शाम के 6:30 बजे जो है आरती हुई थी, और हम बहुत ज़्यादा थक भी गए थे, हमने कुछ भी नहीं खाया था, हस्बैंड भी कुछ भी नहीं खाए थे, मैं भी, डुग्गू की मम्मी, और डुग्गू तो थोड़ा बहुत शरबत पी ले रहा था, पर मम्मी ने भी कुछ नहीं खाया था। तो पूजा होने के बाद अब हम रुद्राभिषेक करने आ गए हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। और बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ जाने के बाद, इतनी भीड़ में भी इतनी शांति वहाँ लग रही थी। तो मैं मेरे हस्बैंड के साथ रुद्राभिषेक कर रही हूँ, मम्मी के घुटने में प्रॉब्लम है तो वो बैठ के कर रही हैं, बाकी मैं और मेरे हस्बैंड और डुग्गू हम सब खड़े होके कर रहे हैं। तो रुद्राभिषेक जब हो जाएगा फिर हम जाएंगे हवन के लिए। तो हवन मंदिर से बाहर एक छोटा सा, मतलब घर के जैसा ये देखिए बना है, तो इसी के अंदर होता है हवन, अंदर पूजा हो जाता है और बाहर में हवन हो जाता है। बाकी लोग भी आसपास ही थे, बच्चे थे और दीदी थी, छोटी वाली सब सिस्टर थी। तो अभी हम हवन करने आ गए हैं, और आज का मुहूर्त बहुत ही अच्छा था, वहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी और सब ने बोला कि हाँ आज का मुहूर्त बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, पूजा को देखना, कैमरे को मैनेज करना, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, लाइक करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं फ्रेंड्स आपके, ना ही सब्सक्राइब करने में लगते हैं, पर हाँ हमारा जो मनोबल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमें लगता है कि हमने जो मेहनत की है वो मेहनत बिल्कुल सफल हुई है। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है, तो प्लीज़ फ्रेंड हमें सपोर्ट करिए। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी हवन हो गया है तो हम आ गए मंदिर के अंदर और भोले जी का हम आरती कर रहे हैं।
हेलो फ्रेंड्स, और अभी रुद्राभिषेक हो गया है और अब हम घर जा रहे। इसी मंदिर में हुआ था रुद्राभिषेक, देखिए इसी मंदिर में। और यहाँ का ये बहुत सिद्धार्थ नगर का ये बहुत फेमस मंदिर है। यहीं पर रुद्रा, देखिए भंडारे की तैयारी हो रही है। सब लोग, ये लोग आए हैं जो लोग, वो भंडारे की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम घर जा रहे हैं। 1 बजे से अभिषेक शुरू हुआ था और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, अभी तक रुद्राभिषेक चला है। अभी सब लोग वही नाश्ता वगैरह कर रहा था, चूड़ा दही खा रहे हैं सब लोग, और हम अभी घर पे खाएंगे क्योंकि अभी भूख नहीं लगा है। तो घर पर ही चल के खाएंगे हम लोग खाना। और ये देखिए, ये मेरी क्या नंबर की होती तुम? ये 6वें नंबर की सिस्टर है और जो ज्योति है वो 7वें नंबर की है। आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। और सब लोग आ जाओ, एक बार दिखा दे, फिर दीदी चली जाएगी अपने घर ना। दीदी बड़ी दीदी है, 1st नंबर, 2nd नंबर, और ये जो है ये 3rd नंबर की है। ये क्या नंबर की होती तुम? ये 5वें नंबर की है और वो 6वें नंबर की। ये मेरी माता श्री है जो बहुत चिल्लाती है। माता कह रहा है, हेलो फ्रेंड्स बोलिए। बोलिए मम्मी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते भी करिए। हेलो हेलो। और अभी हम लोग का रुद्राभिषेक हुआ है, बाकी ये सब देखिएगा मेरी बच्ची को, आप लोग की सहारा है, बहुत मेहनत करती है। और ये सब हमारे घर के ही लोग हैं, ये देखिए बहुत बड़ा फैमिली हम लोग का मायके से। हम 7 सिस्टर हैं। और ये देखिए हमारा भाई गोपाल जी की जय। एक वो देखिए, आज अभी हम जा रहे हैं घर पर, और घर पर चल के बात करती हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और कल भी तबीयत खराब हो गया था तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। ये तो आती रहती है, इनको तो आप देखते हैं। ये हमारी लाडो हैं, आ जाओ बिट्टू, ये देखिए। हम लोग 7 बहन हैं और सबसे मिला दी, एक से नहीं मिलवाई हूँ, वो इलाहाबाद रहती है, वो आई नहीं है तो इसलिए मैं उससे नहीं मिलवा पाई हूँ। कभी भी वो आएगी तो मैं आप लोग से मिलवाऊँगी ज़रूर। तो अभी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में मिलूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए।